आज हम रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अंक से वही संबंध है जो दूसरे अंक से पहले वाले संबंध है। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें 47 है, 65 है और 59 है। तो इस 47 को जोड़िए, 4 + 7 कितना होता है, 11 हो जाता है। उसी प्रकार 6 और 5 को जोड़िए तो कितना होता है, 11 होता है। इसी प्रकार वो पुराना कितना, तो 9 और 5 को कितना जोड़ेंगे, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका भी 14 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अंक से वही संबंध है जैसे कि दूसरे अंक का पहले वाले से संबंध है। तो इसमें 13 को 182 पुराना, तो ऐसा जब एक छोटा अंक रहेगा वो बड़ा अंक रहे तो इसमें क्या स्क्वायर करना पड़ता है। तो 13 का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 169 और प्लस 13 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इसी प्रकार 17 का स्क्वायर कीजिए, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 289 और प्लस 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 306 ना, 306 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 306 हो जाएगा। विषम संख्या का चयन करें, विषम संख्या का चयन करें। देखिए इसमें 162 है, 198 है, 452 है और 252 है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़िए, 6 + 1 + 1 + 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसको जोड़िए, 1 + 9 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 + 5 + 2 + 7 = 9 हो जाएगा, ये 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 5 × 9 = 11 हो जाएगा। इसलिए ये सब 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं है। इसलिए राइट एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो सी हो जाएगा। जो इस सब 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित नहीं, इसलिए ये विषम हो जाएगा। विषम संख्या का चयन करें, 3 = 18 = 4 = 24 = 7 = 70 = 9 = 108 है। तो 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें 12 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना, 10 से गुना करना पड़ता है। इसलिए ये सब 6 का मल्टीपल है, ये अलग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। थैंक यू।